हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 14th ऑफ दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज़ द इन्फ्लेशन रेट इन नवंबर 2023 अकॉर्डिंग टू सीपीआई। आपसे पूछा जा रहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार नवंबर 2023 में मुद्रास्फीति की दर कितनी थी। आपके ऑप्शंस हैं 4.87%, 5.3%, 8.7% या फिर 5.55%। आपको बताना है कि नवंबर माह में इन्फ्लेशन की दर क्या रही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये रही है 5.55%। आप यहाँ देख सकते हैं, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिकॉर्डेड अ 3 months हाई इन्फ्लेशन रेट ऑफ 5.55% इन नवंबर, अप फ्रॉम 4.87% इन अक्टूबर। सो फूड प्राइस इन्फ्लेशन नोटिवली सर्ज्ड टू 8.7% कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ्स 6.6%, डिराइवन बाय द इंक्रीज्ड रेट्स फॉर वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड शुगर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स डिड उत्तराखंड सिक्योर इन अ सिंगल डे, मेकिंग इट अ हिस्टोरिक अचीवमेंट। आपसे पूछा जा रहा है, उत्तराखंड ने एक ही दिन में कितने भौगोलिक संकेत टैग हासिल किए हैं, जिससे यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई है। आपके ऑप्शंस हैं 10, 15, 18 या फिर 20। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो एक दिन में उत्तराखंड ने 18 GI टैग्स प्राप्त किए हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट GI सर्टिफिकेट्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 18 प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल डे। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी डिस्ट्रीब्यूटेड GI सर्टिफिकेट्स इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एट चीफ सेवा सदन located at the chief minister's residence. So till now 27 products of Uttarakhand have received GI tag. बढ़ते हैं next question की ओर। Who inaugurated the 15th capacity building senior officers meeting 2023? आपसे पूछा जा रहा है, 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बताना है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, राकेश पाल, राजनाथ सिंह या फिर आर हरि कुमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 15th कैपेसिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर्स की जो मीटिंग हुई है, इसका उद्घाटन किया है राकेश पाल ने। आप यहाँ देख सकते हैं, सो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इट एम्स टू इन्हांस कोलेबोरेशन अमंग नेशंस टू कॉम्बैट मैरीटाइम पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। एंड दिस मीटिंग वॉज हेल्ड इन गांधीनगर, गुजरात, इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल एंड नेशनल सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट्स एंड स्पीकर्स। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू शेयर एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन ऑफ मैरीटाइम पायरेसी एंड डेवलप बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दिसंबर 2023 इंडिया हैज इनिशिएटेड टॉक्स ऑन अ फ्री ट्रेड पैक्ट विद विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है, दिसंबर 2023 में भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए किस देश के साथ वार्ता शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं ओमान, यूएई, सऊदी अरब या फिर कतर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है ओमान के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया एंड ओमान बिगिन डिस्कशंस ऑन फ्री ट्रेड पैक्ट लाइक मिनरल फ्यूल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कंपाउंड ऑफ precious metals and iron as well as steel are the materials which India exports to Oman.
इसके साथ ही अगर रिटर्न की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट करता है ओमान से ऑयल, फर्टिलाइजर्स एंड प्लास्टिक्स. सो द गवर्नमेंट एम्स टू कवर वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, सिरेमिक प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स एंड फूड वेयर्स इन ट्रेड अग्रीमेंट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु करेंटली होल्ड्स द टॉप पोजिशन इन द ICC मेन्स T20 इंटरनेशनल बैटर रैंकिंग? आपसे पूछा जा रहा है. हाल ही में ICC पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? आपके ऑप्शंस हैं बाबर आजम, सूर्य कुमार यादव, एडन मार्करम या फिर ट्रेविस हेड. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ICC मीन्स T20 इंटरनेशनल में जो बैटर्स की रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान पर हैं सूर्य कुमार यादव. आप यहाँ देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन एट द टॉप ऑफ ICC मेन्स T20 इंटरनेशनल बैटर रैंकिंग्स आफ्टर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर हिज क्विक फायर हाफ सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द सेकेंड T20 इंटरनेशनल्स इन साउथ अफ्रीका. सो सूर्य कुमार यादव नाउ हैज़ अ टोटल ऑफ 865 रेटिंग पॉइंट विच इज़ वेल क्लियर ऑफ हिज नियरेस्ट राइवल जिनमें शामिल हैं मोहम्मद रिजवान और साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 50 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री इन दिसंबर 2023. आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है. आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, थाईलैंड, सिंगापुर या फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. हाल ही में दिसंबर की बात करें तो भारत ने 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज सेलिब्रेट किया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ. आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्वेड हिज ग्रीटिंग्स टू प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया मिस्टर यून सुक यूल ऑन कंप्लीटिंग 50 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया. So in 1973 that India could definitely be establish diplomatic relations by formally organizing both North and South Korea, and as of 2022 trade volume has soared to $27.8 billion. So at present major South Korean conglomerates including Hyundai Motor, POSCO, LG Electronics and Samsung Electronics are operating in Indian market. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.